और मांझी प्रखंड के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पुंदाग में चापाकल में खराब पानी निकलने के कारण पूजा एवं 52 बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वे तालाब का गंदा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी जो है पूरा गंदा हो जाता है ना, और पूरा लाल हो जाता है पूरा, मतलब 5-10 मिनट में पूरा लाल हो जाता है पानी, मतलब उसका स्रोत जो है ठीक ठाक नहीं है। गर्मी में एक भी पानी नहीं निकलता है, मतलब नहीं के बराबर, और निकलता है तो पीने के लायक नहीं, पूरा लोहा टाइप का लगता है पानी, है ना। तो उसके लिए आप लोग क्या कहीं पर? हाँ, आम सभा में लिखवाया है कि उसके बदले में दूसरा चपत्ता चाहिए। कितना दिन पहले दिए हैं आम सभा? बीते बार तो याद नहीं हो रहा, 26 तारीख को होता था, जैसे पंचायत चुनाव से पहले। स्वच्छ पानी का व्यवस्था ना होना शिक्षा अधिकार कानून 2009 का उल्लंघन है। गंदे पानी के इस्तेमाल से कई तरह के संक्रमण बच्चों को होने की संभावनाएं हो सकती हैं। इसके समाधान के लिए शिक्षा पदाधिकारी एवं मुखिया को अपने प्रखंड के स्कूलों का निरीक्षण कर ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि बच्चों को स्कूल प्रांगण से दूर पानी के लिए जाना ना पड़े। तुम लोग पानी कहाँ से पीती है? कुआं से। कहाँ पर कुआं है? मैदान। और यहाँ जो यहाँ क्यों नहीं पीती है? खराब हो गया। कहाँ का पानी खराब हो गया? चापाकल। 2015 में स्कूल के शिक्षक द्वारा आम सभा में जानकारी दी गई, उसके बावजूद भी आज समस्या जस के तस है। ये अधिकारियों की लापरवाही के कारण है। अतः आप सभी वीडियो देखने वालों से मैं विनम्र अपील करती हूँ कि और मांझी प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी का नंबर है 9431383076 पर कॉल करें और दबाव बनाएं, ताकि यहाँ पानी की व्यवस्था हो सके। मैं निर्मला, रांची झारखंड से, इंडिया अनहर्ड के लिए।